गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज मैं आपके लिए जो टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, उसका टॉपिक है कि उनके मन में क्या चल रहा है। आपके जो पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आज मैं उसी चीज़ को रीडिंग में देखने वाली हूँ। सो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, अगर आप किसी भी साइन के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपके साथ मेरी रेजोनेट होती है, आपको ऐसा फील होता है कि मेरे साथ में जो रीडिंग है वो रेजोनेट हो रही है, तो ही आप इस रीडिंग को देखेंगे। और एक पर्सनल रीडिंग अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जनरल रीडिंग है ना गाइस, तो आप जनरल तरीके से देखिए, अगर आपके साथ में रेजोनेट हो रही है, आपके साथ में मैच हो रही है, सो लेट्स सी क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपके पर्सन की, क्या चल रहा है इस वक्त उनके मन में। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी कुछ उनके मन में चल रहा है, उनकी फीलिंग्स उनके थाट्स मुझे यहाँ मिलना स्टार्ट हो गए हैं। किसी चीज़ के लिए आपके जो पर्सन है रेडी हो रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, बिल्कुल एक्शन लेने वाले हैं, फैसला लेने वाले हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैच्योर तरीके से वो समझ रहे हैं। जबकि हो सकता है आपके जो पर्सन है पास्ट में इतना ज़्यादा मैच्योर होकर चीज़ों को नहीं समझते थे, पास्ट में इतना ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं समझते थे जितना उन्होंने अब समझना स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं पास्ट की एनर्जीज देखूँ तो मुझे कुछ यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज मिलती हुई नज़र आ रही हैं कि आपके जो पर्सन थे काफ़ी लॉन्ग टाइम से, एक तरीके से मैं कहूँगी किसी ऐसे पर्सन के साथ थे जो बहुत ही ज़्यादा रूलिंग नेचर का था, जो बहुत ज़्यादा शायद उन पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, या फिर जो बहुत ज़्यादा उनको बाउंड करने की कोशिश कर रहा था किसी तरीके से, हमेशा उनकी बात मानना या फिर जैसे वो बोले वैसा ही करना। तो इस तरीके से आपका जो पर्सन है पास्ट में उनकी कुछ लैब थी कुछ दिन पहले तक, हो सकता है आपके जो पर्सन है वो आपसे मुझे डिस्टेंस में नज़र आ रहे थे। आपको जो पर्सन है हो सकता है आपके उनके बीच में कोई डिस्टेंस आया हो, उसके बाद वो किसी ऐसे पर्सन से मिले हो जो थोड़ा सा मुझे रूलिंग नेचर का दिखाई दे रहा है, एक ऐसा इंसान जिसमें हो सकता है आपको जो पर्सन है उनसे न्यूली मीट कर रहे हो, या फिर एक ऐसा पर्सन, कोई भी वो पर्सन हो सकता है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि काफ़ी तक उन पर कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उनकी उस हैबिट की वजह से, उनके उस नेचर की वजह से आपके जो पर्सन है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड, बहुत ही ज़्यादा थके हुए नज़र आ रहे हैं, उदास नज़र आ रहे हैं, अकेलापन महसूस करने लग गए थे उस पर्सन की उस हैबिट की वजह से। और आज आपके जो पर्सन है उनको एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, उनके मन ही मन में ऐसा चलता रहता है कि उन्हें कोई डिसीज़न लेना चाहिए, अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहिए, अपनी लाइफ को अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छे हैप्पी चेंज लेके आना चाहिए। कुछ और एनर्जीज अगर मैं आपके पर्सन की लेती हूँ तो कि क्या उनकी करेंट एनर्जीज आ रही हैं, जरा उनकी करेंट एनर्जीज़ को देखना चाहती हूँ। क्या उनकी करेंट एनर्जीज आ रही हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ के लिए, कैसा सोचते हैं वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में, कैसा फील करते हैं। सो टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, पास्ट को बहुत मिस करते हैं वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में। अगर बात करूँ तो उनका पास्ट जो कि आपके साथ था उसे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एक ही कार्ड में मुझे इतनी सारी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं, पास्ट को इतना ज़्यादा मिस करते हैं। हो सकता है पास्ट में आप आपके पर्सन के साथ ना कोई ब्यूटीफुल सी मेमोरीज है, कुछ मोमेंट्स थे, कुछ ऐसा था जिसको वो आज भी याद करते हैं तो उन्हें हैप्पी फील होता है। बिकॉज हो सकता है आप और आपके जो पर्सन है वो एक डिस्टेंस में हो, अभी फ़िलहाल आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या फिर अभी आप एक दूसरे से हो सकता है कॉन्टैक्ट में ना हो, बिकॉज कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स ही मुझे मिल रही हैं पास्ट में। हो सकता है आप लोग के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई हो जिसकी वजह से वो अब इस एक थर्ड पर्सन में गए, और वो थर्ड पर्सन उनके लिए कंट्रोलिंग नेचर का है। बट अगर मैं आपके आपके पर्सन के रिलेशनशिप के स्टार्टिंग के लिए इसकी बात करूँ तो आप लोग के वो एक बहुत ही ज़्यादा एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप था, बहुत ही ज़्यादा। आज भी आपके जो पर्सन है उन हैप्पी हैप्पी डेज को, उन हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स को, उन हैप्पी हैप्पी चीज़ों को याद करके, मेमोराइज करके वो ज़्यादा हैप्पी होती, क्योंकि हो सकता है आपके जो पर्सन है उनको कहीं ना कहीं पास्ट में कोई ऐसी चीज़ याद रह गई हो, आपसे रिलेटेड कोई चीज़ उनके पास ऐसी है, कोई भी चीज़ आपकी, या फिर शायद आप ही के बारे में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है उनके पास में जिसे वो देखते हैं, जिसे हो सकता है आपने कोई उन्हें कोई गिफ्ट दिया हो, या कोई भी ऐसी चीज़ गिफ्ट करी हो, या फिर कोई डेडिकेटेड सॉन्ग या कुछ भी हो, ऐसी कोई ना कोई मैसेज जिसको वो आज भी मेमोराइज करते हैं, सोचते हैं अभी भी। अगर जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, अगर ऐसा मैं देखूँ कि अभी इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, राइट नाउ उनके बिल्कुल करेंटली उनके मन में क्या चल रहा है, तो अभी भी आपके बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी हैप्पी हो रहे हैं, या फिर आपके बारे में सोच सोच के उन्हें एक अंदरूनी खुशी मिल रही है, एक अंदरूनी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है चीज़ों को बहुत ज़्यादा। वो जब पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हैप्पी हो जाते हैं, बिकॉज आपकी जो फीलिंग्स थी उनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू थी एंड लवली थी, और कहीं ना कहीं वो इस बात को जानते थे कि आप उनके लिए कितने अच्छे हो, कितने प्योर हो, कितने ट्रू हो। और ये बात सोच के उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है आपकी साइड
साइड से, मगर कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट लाइफ से वो थोड़े से मुझे अनसेटिस्फाइड दिख रहे हैं। अपने प्रेजेंट लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आप अपने प्रेजेंट लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, करेंट पोजिशन की जो आ रही है वो ऐसी आ रही है, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने एक लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हैं, और आपके और उनके बीच में जो भी डिस्टरबेंस हुई है या फिर जो भी थर्ड पर्सन आया है उसमें वो एक चेंज लेके आना चाहते हैं। और अभी मैं देख सकती हूँ आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में चेंज मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो जो चेंज है वो आपके पर्सन ही लेकर आने वाले हैं, बिकॉज वो अपनी प्रेजेंट लाइफ से कंपेरेटिवली बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे, जबकि अपनी पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। अगर पास्ट लाइफ की मैं बात करूँ तो उनके लिए एक सब कुछ हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स चल रहे थे, सब कुछ अच्छा अच्छा होता था। पास्ट लाइफ में उनको ऐसा फील होता था कि जो कुछ भी वो चाहते वो सारा कुछ उन्हें मिलता है, और इस तरीके से पास्ट की उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और राइट नाउ भी वो हमेशा जब भी सोचते हैं कि मन में क्या चल रहा है तो वो आपसे और उनके रिलेटेड जो भी बातें हैं पास्ट की उन्हीं बातों को सोचते हैं। किस तरीके से आप लोग कंपेरिजन का कार्ड आया है गाइस, अभी भी वो कंपेयर करते हैं अपनी प्रेजेंट लाइफ को अपनी फ्यूचर लाइफ को, और सोचते हैं कि वो पास्ट की लाइफ में कितना ज़्यादा हैप्पी थे, जबकि अपनी प्रेजेंट लाइफ में शायद वो कंपेरेटिवली उतना ज़्यादा हैप्पी नहीं है, बिकॉज चीज़ें शायद उन्होंने थोड़ी सी रॉन्ग कर ली है जिसका वजह से उनको एक रिग्रेट वाली फीलिंग भी आती है। बट मैं देख सकती हूँ कंडीशनिंग लाइक अपनी चीज़ों को वो ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना चाहते हैं, और बहुत जल्द एक डिसीज़न लेने वाले हैं, एक फैसला लेने वाले हैं, कुछ कदम लेने वाले हैं जिसके लिए अब वो टोटली रेडी हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं रह गया है उनकी उस डिसीज़न लेने में, ले चुके हैं, मन बना चुके हैं, और चीज़ों को बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं, एक्ट करना चाहते हैं, आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टक नहीं रहना चाहते, बिकॉज उनकी लाइफ में बहुत मैं कहूँगी काफ़ी टाइम से वो अपने कैरियर में या फिर अपने रिलेशनशिप में काफ़ी सारी चीज़ों में वो बीच में स्टक हो गए थे। उनके मन में ये चल रहा था कि वो आगे नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ में, ना ही तो पास्ट की चीज़ों को ठीक कर पा रहे थे ना ही प्रेजेंट की, और अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब वो ऐसा सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ में किस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहती, किस तरीके से चीज़ें में उनकी और आपकी जो रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंस आया है, जो आप लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, कैसे उन्हें ठीक कर सकते हैं, इस सब के बारे में इस वक्त मुझे आपके जो पर्सन है सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को कंडीशनिंग करने की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को हील करने के बारे में सोच रहे हैं। सो आई होप आपके साथ मीटिंग रेजोनेट हुई हो, अगर आपके साथ मीटिंग रेजोनेट हुई है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड टू द टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे।